डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 चेन रूल। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन साइन थीटा, थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, डबल है ना। सो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें कितने डेरिवेटिव हैं? 2। फर्स्ट साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5। यस, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस थीटा, कोस थीटा साइन का हो गया। नाउ जो ये थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। इसका थीटा का क्या होगा? थीटा कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। यस बच्चे, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो आउटर है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 5 0। फाइनल आंसर 2x cos x square plus 5। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x। थीटा जो है वो sin x है, थीटा जो है वो sin x है। क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to cos sin x, cos theta, differentiation of y with respect to x, cos theta का derivative minus sin theta, clear? cos का differentiation बच्चे हमने कर दिया। now theta जो है उसको differentiate करो। theta क्या है? sin x, dy by dx is equal to minus साइन साइन एक्स। क्लियर? मल्टीप्लाई में क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी। फंक्शन जो है वह साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to sin ax plus b, differentiation of y with respect to x, sin theta का differentiation बच्चे क्या होगा? cos theta। now theta को differentiate करो, theta क्या है? ax plus b, cos ax plus b। यस बच्चे, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करें। ए एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग 1 प्लस बी कॉन्स्टेंट 0। फाइनल आंसर ए कोस ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सेक टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू sec, sec का जो थीटा है ना वो क्या है? tan रूट एक्स। कितने डेरिवेटिव है इसमें, इस चेन में? ये चेन है sec थीटा, फिर tan थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करो। sec का डिफरेंशिएशन sec tan, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, फिर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 सेम रूट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 फंक्शंस हैं। sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा। क्लियर? sec का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चे। नाउ किसको डिफरेंशिएट करें? sec को छोड़ दो, tan थीटा को, ये तो राइट करना पड़ेगा। sec थीटा tan theta, tan root x। नाउ आप किसको डिफरेंशिएट करें? इसको tan को। tan का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? tan का डिफरेंशिएशन होगा sec square theta। tan का डिफरेंशिएशन हो गया, नाउ किसको करेंगे? अंडर रूट x को। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 सेम रूट sec, ये आउटर में जो है सेम रख दो, sec थीटा
tan theta and sec square root x. Clear? Triple. पहले sec को किया, क्या हुआ? sec tan. फिर tan का differentiation sec square theta. फिर under root का differentiation 1/2 same root. Question number 4. Now question number 5. U by V form से है बच्चे. U by V form. Sin A x plus B by cos C x plus D. Y is equal to sin AX plus B by cos CX plus D. Question number 5. Y is equal to sin AX plus B by cos CX plus D. Differentiation of Y with respect to X. U by V form. अप्लाई करें बच्चे u by v, स्क्वेयर ऑफ v. अब क्या करोगे, फॉर्म अप्लाई करें, cos cx plus d, डिफ्रेंशिएशन ये कांस्टेंट रखोगे, डिफ्रेंशिएशन पहले ऊपर वाले का होगा sin ax plus b का बच्चे. नाउ माइनस, अब sin ax plus b को कांस्टेंट रख दो, डिफ्रेंशिएशन अब किसका होना है, अब नीचे वाले पार्ट का, cos x plus d का. ये तो फॉर्मूला अप्लाई किया है. नाउ आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, यहां तो cos square c x plus d रहेगा ना. चलिए बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, cos c x plus d रिमेन कांस्टेंट. sin थीटा का डेरिवेटिव डबल है, डबल में एक साथ कर देता हूं. पर साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा. साइन थीटा का कोस थीटा, आप थीटा को करो, इसका डिफरेंशिएशन बी का जीरो एक्स का वन, ए हो गया, क्या आ गया बाहर, ए आ गया आउटर में. माइनस देखो साइन ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, सो ये प्लस हो गया, माइनस साइन थीटा. थीटा जो है उसका करो, ये चेन है ना डबल है, इसमें डी जीरो एक्स का वन सी रह गया. अब क्या कर दे, डिवाइड कर दो अलग अलग, कोस स्क्वायर डिवाइड करो, ए कोस सी एक्स प्लस डी कैंसिल. देखिए यहां पर वन पावर कैंसिल हो गई, क्या रह गया, कोस ए एक्स प्लस बी वन बाय कोस क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी. देखो क्या किया, cos x plus d वन पावर तो कैंसिल हो गई, ये रह गया वन बाय कोस, इसको मैंने sec राइट कर दिया है, प्लस c. देखो बच्चे sin a x plus b, यहां पर देखिए आपके पास क्या है, सेपरेट करें तो क्या होगा, sin a x plus b तो यही रहेगा, साइन सी एक्स प्लस डी बाई कोस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी. बस डिफ्रेंशिएशन तो हो गया था, साइन बाई कोस वन बाई कोस, कोस के वन पावर रह गई, साइन बाई कोस वन बाई कोस क्या होगा, सेक सी एक्स प्लस डी. क्लियर, यहाँ वन पावर कैंसिल, वन बाई कोस सेक, यहाँ कोस स्क्वेयर है, साइन सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी, टेन हो गया, वन पावर रह गई, वन बाई कोस सेक हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6. हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5. क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5. अब देखो कितने फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में, टू फंक्शन है, कोस थीटा अलग से है, साइन स्क्वायर थीटा अलग से है ना, कोस एक्स क्यूब कोस थीटा, अब ये इससे सेपरेट है, साइन स्क्वायर थीटा. डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करें, फर्स्ट साइन स्क्वायर
एक्स रेज टू पावर 5 कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका कर दें, कोस एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स क्यूब विल रिमेन कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका करें, साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर 5 हो गया। साइन स्क्वेयर थीटा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्यूब का, कोस एक्स क्यूब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इसका। नाउ व्हिच इज साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 सिंगल स्टेप में ही कर दूं, देखो इसको ये क्या है, चेन है, फंक्शन सिंगल है, डेरिवेटिव डबल है, फर्स्ट कोस थीटा को फिर थीटा एक्स क्यूब को। यस बच्चे सबका करते हैं, ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूँ, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। अब थीटा क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x² हो गया ना मल्टीप्लाई में, फर्स्ट कोस थीटा माइनस साइन थीटा फिर थीटा को प्लस कोस एक्स क्यूब। अब इसको देखना स्पेशली, इधर इस पर फोकस करो आप थोड़ा, कितने डेरिवेटिव है, ट्रिपल है, फर्स्ट तो पावर साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 इसको राइट करोगे कैसे, साइन थीटा है ना, इसकी होल पावर 2 है, ये है फर्स्ट, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर का डिफरेंशिएशन कौन से वाला फॉर्मूला होता है, एक्स रेज टू पावर एम, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा इसका, पावर का ट्रिपल डेरिवेटिव है, 3 डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पावर को एक्स रेज टू पावर एम से, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, फिर थीटा का, क्लियर। पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, एन टू साइन थीटा ये है, इसकी पावर 2 माइनस 1 रह गया, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, कर दिया पावर को। अब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करो बच्चे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा, साइन का हो गया, अब किसको करो, थीटा को, एक्स रेज टू पावर 5 का क्या होने वाला है, 5x⁴ ट्रिपल है। देखिए हो गया ना डिफरेंशिएशन, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको फाइनल आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करके रख दो, -3x² साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब प्लस 10, देखो इसके साथ क्या है, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 कोस एक्स क्यूब कोस एक्स रेज टू द पावर 5 फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट किसका, अंडर रूट साइन का, फिर कोट का, फिर एक्स स्क्वेयर का, ट्रिपल डेरिवेटिव है बच्चे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर, क्लियर। सेवन y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 2 फर्स्ट स्टेप किसका करोगे, अंडर रूट का, अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 सेम रूट हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अंडर रूट का तो हो गया, कोट थीटा को डिफरेंशिएट करो बच्चे, कोट थीटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। इसको राइट कर देते हैं क्या, 1/√cot, थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ साथ साथ ही, कोट क्या होगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, साइन कोस में चेंज करते जाओ इसको, ये डिफरेंशिएट हो गया बाहर पड़ा है, इसको चेंज कर दी, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cosec² थीटा, कोट का हो गया, आप डिफरेंशिएट करो किसको, एक्स स्क्वेयर को,
अब क्या राइट करें, इसको पलट दो, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर बाय अंडर रूट कोस एक्स स्क्वेयर। कोस एक्स स्क्वेयर क्या होता है बच्चे, ये माइनस को मैं यहाँ आउटर राइट कर देता हूँ, कोस एक्स स्क्वेयर होता है 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x। जिनका डिफ्रेंशिएशन होता रहा उनको साइन कोस में चेंज करते रहे, क्लियर। अब देखो क्या करें, ध्यान से देखिए, साइन कोस में चेंज करें, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर है तो साइन की पावर हाफ जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, साइन की पावर हाफ तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से साइन थीटा साइन एक्स स्क्वेयर, यहाँ साइन की पावर 2 है, यहाँ हाफ है, तो हाफ पावर तो होगी कैंसिल, क्लियर। क्या रह गया, 1 एंड हाफ, हाफ पावर रहेगी ना, उसको इसके साथ अंदर ऐड कर दो, साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर, 1 पावर को बाहर कर दो, साइन एक्स स्क्वेयर। देखो कैसे राइट किया, ऊपर वाले पार्ट में देखिए साइन की पावर जो है वो क्या है, हाफ है, एंड नीचे वाले पार्ट में साइन की पावर जो है वो 2 है, सो ये हाफ पावर यहाँ से कट हुई, 1 हाफ रह गए, 1 ये रहा, हाफ मीन अंडर रूट, वो इसके साथ अंदर एंटर कर दिया, एक साथ हो गया। नाउ क्या करें बच्चे, साइन थीटा कोस थीटा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर है, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर। यहाँ क्या करता हूँ मैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, देखो ये हो गया, वाई साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये साइन एक्स स्क्वेयर पड़ा है बाहर। अब बच्चे देखिए ये अंडर रूट 2 पलट के ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, क्या हो गया ऊपर -2√2x बाय अंडर रूट 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई साइन एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आपका। डिफ्रेंशिएशन तो हो गया था यहीं पर, थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर दिया, साइन कोस में चेंज किया, जो कट हुआ वो कट कर दिया, फॉर्मूला बना साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर, साइन थीटा कोस थीटा साथ हो तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा राइट कर दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कोस अंडर रूट एक्स, एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कोस अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर वाई इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स, डबल डिफ्रेंशिएशन, पहले कोस थीटा को करो माइनस साइन थीटा, अब थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है, अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 सेम रूट, 1/2 सेम रूट हो गया, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिफ्रेंशिएबिलिटी के हैं, वो मैंने 5.1 के साथ आपको करवा दिए थे, तो यहाँ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाता है आपका।